हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैश लाइव विद दीप मैं हूँ दीप स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कैश लाइव विद दीप में सबसे पहले फ्रेंड्स मेरी तरफ से आप लोगों को दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं जैसा कि सबको पता है दिवाली आ रही है कल ही दिवाली है और सब लोग कुछ ना कुछ अपने घर में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि उनका घर सबसे अलग दिखे कई तरह के कैंडल्स ला रहे हैं दियर्स ला रहे हैं और एलईडी लाइट्स ला रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ आज जो मैं दिवाली पे बनाने वाली हूँ दिया वो शेयर करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाऊंगी वाटर वाले दिए और बहुत ही ईजी तरीके से बनता है ये और सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लगता है इसके लिए मैंने दो कांच के ग्लास ली ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूँ और दो कांच के ग्लास में मैंने आधा आधा ग्लास जो है ना पानी भर लिया है और ऊपर से मैंने दो दो तीन तीन चम्मच जो है ना इसमें सरसों का तेल डाला हुआ है तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ एक चीज मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे मैंने कलर के लिए यहाँ रोली ली हुई है लेकिन मैंने गलती क्या की है जब मैंने इसमें रोली डाली कि वो तेल के साथ मिक्स नहीं हुआ तो आप जब भी कभी बनाएं अगर आपके पास फूड कलर है तो आप उसका यूज कर लीजिएगा तो अगर नहीं है तो आप इसके जगह पे हल्दी और कुमकुम यूज कर सकते हैं लेकिन हल्दी और कुमकुम डालने से पहले आप तेल मत डालिएगा पानी में पहले ही उन दोनों को मिक्स कर लीजिएगा पानी में हल्दी और कुमकुम को ऊपर से उसके ऑयल डालिएगा नहीं तो घुल नहीं पाएगा तो यहां पे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मैंने ना कुमकुम की जगह पे जो है ना आलता ले लिया है अगर आपके पास आलता हो तो आप ले सकते हैं अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूं कैसे इसकी कटोरी बनाए देखिये यहाँ पे मैंने दो जो प्लास्टिक के ग्लास होते हैं ना उसकी नीचे की जो तली है उसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया है अगर आपके पास ग्लास नहीं है तो कोई भी ऐसा प्लास्टिक ले लीजिएगा जिसका जो सरफेस ना थोड़ा सा मोटा हो अगर वो आप लेते हैं तो दिया जो बनेगा ना वो काफी देर तक जलेगा और प्लास्टिक पिघलेगी भी नहीं तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा तो देखिए यहां मैंने दो ग्लास बना रही हूं कैंडल तो दो कटोरी मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं हर दिवाली अगर आप ऐसे बनाते हैं तो एक तो आपकी बचत भी होगी और सबसे बड़ी बात यह कि इतना सुंदर ये लगता है ना कि आप कहोगे कि हाँ मतलब इसको अगर कोई भी आपके घर पे आएगा तो वो जरूर बोलेगा कि वाओ कितना सुंदर बना रखा है और आप देखें यहाँ पे मैंने जो कटोरी टाइप की जो दिए के लिए आकार दिया था ना उसको मैंने क्या किया है उसमें छेद कर दिया है ठीक है एक होल करेंगे ऐसा होल बनाइए जिसमें मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होल नहीं बनाना है आपको छोटा सा ही बनाना है इसके लिए आप माचिस की तिल्ली जलाइए और उस पर उसी से होल बनाइए देखिए मैं जैसा कि बना रही हूं यहाँ यहां आपको करके दिखा रही हूं तो ये देखिए बन गया होल ये अब यहां पे मैं आपको बता देती हूं कि इस दिए को बनाने के लिए इस कैंडल को बनाने के लिए आपको चाहिए मौली मौली बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आप चाहे तो कॉटन ले सकते हैं कॉटन का अगर आप ये बनाते हैं तो ये काफी देर तक जलेगा अगर मौली का बनाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मौली जो है ना भीग जाएगी पतली होती है ना तो नीचे जाके भीग सकती है लेकिन कॉटन जो रहेगा ना वो ऊपर ही ऑयल के साथ फ्लोट करेगा इसलिए वो देर तक जलता है तो यहाँ पे तो मैं आपको प्रिफर करूंगी कि कॉटन ही यूज कीजिएगा लेकिन यहाँ पे मौली भी मैं बना के दिखा रही हूँ मौली का भी और कॉटन का भी आप इसमें डाल दीजिए जैसे दिया बनाते ना दिया में ऊपर की तरफ जो है उसकी बाती करते हैं वैसे ही इसको कर लेना है यहाँ पे मैंने थोड़े से रोज पेटल्स लिए हैं डेकोरेशन के लिए बहुत ही प्यारा लगता है अगर आप रंगोली बना रहे हैं रंगोली के चारों तरफ रखने के लिए या टेबल पे या कई कई जगह रख सकते हैं इसको बहुत ही सुंदर लगता है बहुत ही बहुत ही प्यारा लगता है और बनने में तो देखिए कितना इजी है बहुत जल्दी बन जाता है तो इस दिवाली जरूर बनाइएगा इसको मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही ईजी आइडिया है ये कैंडल बनाने का और बहुत ही कम खर्चों में बस दो तीन मतलब पांच चम्मच तेल में आप पांच दिए बना सकते हैं और ये काफी देर तक जलता है ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी जल के खत्म हो जाता है बहुत देर तक जलता है ये तो देखिए यहाँ पे मैंने अब कैंडल मेरा बन के रेडी हो गया मैंने एक कैंडल जला दिया है अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रही हूं दूसरा कैंडल मैंने इसलिए नहीं जलाया क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूं कि दूसरा कैंडल इसलिए है कि जब भी आप बत्ती बनाएं जो बाती आप बना रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है कि वो भीगना नहीं चाहिए अगर वो बाती भीग गई तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो जलेगी नहीं इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूं कि दूसरा जो बाती है वो गीली हो जाती है तो बिल्कुल जलेगा नहीं इसलिए इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप ग्लास में जो दिया बनाया है आपने वो डाल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली डालिए नहीं तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले वो जलेगा नहीं तो यहाँ पर देखिए मैंने एक जो कैंडल है मेरा बन रेडी हो गया दूसरी के लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि जब भी आप बनाइए तो इस बात का ध्यान रखिए कि बाती जो हो है बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए अगर बाती गीली हो गई तो वो जलेगा नहीं इसलिए आप इसका ध्यान रखिए और अब मैं देखिए यहां पे आपको दिखा रही हूं ये दूसरा जो ग्लास लिया है मैंने इसको भी मैं आपको जला के दिखाऊंगी लेकिन आपका आपको बताने के लिए मैंने अभी इसको जलाया नहीं है कि कैसे इसको केयरफुली आपको रखना है और अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो ये जलेगा नहीं फिर आप कहोगे कि कैसा आइडिया शेयर किया है तो देखिए इसलिए यहाँ पे मैं ये जो है कॉटन का बना के दिखा रही हूँ मैंने आपको बोला मैंने यहाँ पे मॉली से भी बनाया है और कॉटन से भी बनाया है तो ये देखिए जो दूसरा वाला है वो मैं कॉटन से बना रही हूँ इसकी बाती अब मैं इसको केयरफुली इसमें डालूंगी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से डालिएगा आप लोग भी और अब इसको हम जला लेंगे ये देखिए दूसरा वाला भी जल गया तो कैसा लगा ये आइडिया बताइएगा जरूर उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा